I'm single. Find me. I'm single. Find me. मेरी तरह से तो वैलेंटाइन डे के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है यार। नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनकी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा चर्चाओं में। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर काफी चर्चा की जा रही है। इसी बीच उनके पुराने वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। हाल ही में रिया का एक थ्रोबैक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बता रही हैं कि वो सिंगल हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरी तरफ से तो वैलेंटाइन डे के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है यार। I'm single. Find me. I'm single. Find me. अभी कमिंग ईयर में काफी कुछ आने वाला है, मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वैलेंटाइंस डे के आसपास का है, जहां ये बात रिया ने किसी इवेंट के रेड कार्पेट पर बोली थी। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रिया की ये वीडियो इसी साल की है, जिसमें वो खुद को सिंगल बता रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो रिया, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही सुशांत की मौत के बाद एक पोस्ट कर ये बताया है कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड हैं, उन्हें बहुत प्यार करती हैं, तो फिर उन्होंने क्यों बोला कि वो सिंगल हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि सुशांत और रिया के रिश्ते को ऑफिशियली मीडिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन रिया उन्हें मना कर देती थी। खबरें तो ये भी थी कि रिया सुशांत को अपने साथ कोई फोटो पोस्ट करने नहीं देती थी, ना ही खुद को सुशांत के साथ अपने सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालने देती थी। ऐसे में हर किसी के जहन में यही आ रहा है कि आखिर वो क्यों छुपाना चाह रही थी कि वो सुशांत को डेट कर रही है, जबकि वो काफी टाइम से उनके साथ लिव इन में रह रही थी। अब रिया के इस पुराने वीडियो ने लोगों के मन में फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इस वक्त रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ की जा रही है। बीते कुछ दिनों में ईडी उनसे दो बार इस केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है। दरअसल सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और पैसे ऐंठने का भी आरोप लगाया। रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया है। इसी सिलसिले में ईडी भी इस केस की जांच कर रही है। वहीं अब इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है।